तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रूबिक्स क्यूब रोटेशंस के बारे में। रोटेशंस जो कि एक्स वाई जेड होते हैं हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, कुछ केसेस एंड कुछ पैरिटी कंडीशंस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं अपने एल्गोरिथम्स को काफ़ी लेस मूव में सॉल्व करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग ये फिगर देखो, इस फिगर में यहाँ पे तीन लाइंस बनी हुई हैं एक्स वाई जेड, जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस है। यहाँ पे अंतिम में आपको एरोज दिख रहे हैं, उस एरो के थ्रू हम लोग अपने क्यूब को देखते हैं और रोटेट करते हैं। अगर आपको मिलता है एक्स मूव, तो अभी जो आपका लाइन ब्लिंक हो रहा है उसके थ्रू, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके थ्रू हम लोग सेंटर फीसेस को फिक्स रखेंगे, जो कि आप देख रहे हो मैंने पकड़ा है उसको हम लोग फिक्स रखेंगे और हम लोग अपने क्यूब को उसके थ्रू घुमाएंगे। मतलब जहाँ से हम लोगों ने फिक्स रखा है उसको एक्सिस मानते हुए हम लोग अपने क्यूब को रोटेट करेंगे। जैसे अगर हम लोग मिलता है वाई, तो वाई है एक वर्टिकल लाइन, तो हम लोग अपने सेंटर पीसेस को जो वर्टिकल में है, आप यहाँ पर देखो मैंने दोनों को पकड़ा है, तो उसके थ्रू हम लोग पकड़ के उसको एक्सिस कंसिडर करते हुए हम लोग उस क्यूब को रोटेट करेंगे। लेकिन जेड आप देख लो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है जेड को इस तरह से, बट जेड जो है वो तो होगा वो आपकी स्क्रीन से बाहर आता हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो स्क्रीन से बाहर आपके तरफ आते हुए जो सेंटर पीसेज होंगे उसको हम लोग फिक्स रखेंगे एक्सिस की तरफ एंड हम लोग क्यूब को रोटेट करेंगे जेड एक्सिस की तरफ। अब आता है सेंस की बात, तो सेंस क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि एरो किस तरफ है। हम लोग एरो की तरफ से देखते हैं क्यूब को। अगर मान लो एक्स है तो हम लोग अपने क्यूब को राइट की तरफ से देख रहे हैं, ठीक है, एंड राइट की तरफ से हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज टाइम्स में। तो इस तरह से हम लोग इस क्यूब को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जब हम लोगों को ये फिगर याद रहेगा तो। अब यहाँ पे एक दूसरा तरीका होता है जो कि बहुत ही ईजी होता है, कि आप एक्स के लिए आर याद रखो, यू के लिए वाई याद रखो एंड जेड के लिए एफ याद रखो, ठीक है ना। तो आर में हम लोग क्या करते हैं, इस आर वाले राइट वाले लेयर को हम लोग मूव करते हैं, या फिर वो काउंटर क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो। तो हम लोग इस वाले केस में क्या करेंगे कि आर वाले को मूव ना करते हुए बल्कि हम लोग इस क्यूब को ही रोटेट करेंगे। एंड वाई वाले में क्या करेंगे, हम लोग यू यू अपर मूव को अपर लेयर को मूव ना करते हुए बस हम लोग इस क्यूब को ही रोटेट करेंगे जिस सेंस में हम लोगों को वो दिया हुआ है। एंड जेड वाले में हम लोग फ्रंट को ना रोटेट करते हुए हम लोग क्यूब को रोटेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप देखो जेड को मैं रोटेट कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे एफ है, तो फ्रंट को हम लोग रोटेट ना करेंगे बल्कि ऐसे रोटेट करेंगे जेड के लिए वो। और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल साथ दिखाता हूँ। तो ये एल्गोरिथम है एम टू ई टू वाई एंड एम टू, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ एम टू देन ई टू और यहाँ पे है वाई, वाई इन क्लॉक वाइज सेंस। तो वाई के लिए हम लोग को क्या देखना था याद, यू, ठीक है। तो यू क्लॉक वाइज में हम लोग इस तरह से घुमाते हैं, बट हम लोग यू को ना करते हुए इस क्यूब को ही इस तरह से घुमाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है, U एंड देन M2। तो ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ ये एक चेकरबोर्ड पैटर्न है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाती है कभी कभी, और बहुत सारे लोग जो है अपने वीडियोज़ में स्पीड क्यूबिंग वीडियोज़ एंड बिगिनर्स वीडियो में इसका यूज़ मेंशन नहीं करते हैं और बाद में उसका यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी के लोगों के लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर करो यार मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्यूबर फ्रेंड के साथ, और बताओ उनको क्यूब्स के रोटेशंस के बारे में। एंड अगर आप नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल क्यूबिंग वीडियोस हमेशा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड